वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत यूनियन ने खुद की कंट्री को डिस्ट्रॉय किया था, पर क्यों? जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया और इस अटैक के जवाब में सोवियत यूनियन ने स्कॉर्च्ड अर्थ नाम की स्ट्रेटजी को यूज किया। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन की ट्रूप्स पीछे हटने लगी और अपने रास्ते में आने वाली सभी रोड्स, ब्रिजेस और फार्म्स को डिस्ट्रॉय करने लगी। साथ में कैटल, फूड और वेपन्स की फैक्ट्रीज को भी पीछे शिफ्ट कर दिया गया। रोड्स और ब्रिजेस डिस्ट्रॉय होने के कारण जर्मन सोल्जर्स की मूवमेंट काफी स्लो हो गई और जब तक वो स्टालिनग्राद पहुंचे उनके फूड, फ्यूल और बाकी रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे। प्लस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के कारण उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो चुकी थी और वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। इन सब के कारण जर्मन सोल्जर्स का मोरल बहुत डाउन हो चुका था और वो मेंटली हार मान चुके थे। इसी मौके को देखते हुए सोवियत यूनियन के सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए।